Yes. Very warm welcome. Well, in the last session, we had discussed the primary functions of a commercial bank. So primary functions अच्छा खासा फुर्सत में हमने last lecture में कर लिया था. So in today's lecture we will be discussing secondary functions of a commercial banks. Okay, I'm not going to repeat the primary function again because अच्छा खासा repetition हुआ है उसका. Next part is secondary functions, also known as non-banking functions. Main functions primary होते हैं, core functions banking के. Secondary में भी दो बातें होंगी, एक होगा agency functions और दूसरा utility functions. Agency and utility. Okay. Now what is agency function and what is utility function? Let's discuss one by one. If you are acting on behalf of someone else, you are an agent. And a person on whose behalf you are acting is called as a principal. अगर तुम किसी के बिहाफ में काम कर रहे हो ना, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो तुम एजेंट हो और तुम जिस किसी के लिए काम कर रहे हो वो तुम्हारा प्रिंसिपल है. So in this case, bank becomes the agent और तुम, suppose you are a client of the bank, तुम प्रिंसिपल हो. हमेशा याद रखो, वहां पे नहीं दिया है, the word principal is not given there. But I advise you to write. नहीं लिखोगे तो कुछ मिस्टेक नहीं होगी. But understand this thing. Whenever you write the word agent, you should write principal. It is like employee बोलते हो तो employer बोलना पड़ेगा. Same. So whenever you write agent, it is advisable, but you write principal as the second party. जिसका एजेंट है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल. सो इन दिस केस क्लाइंट्स कस्टमर्स आर द प्रिंसिपल्स और बैंक विल बी द एजेंट. नाउ एज एन एजेंट बैंक कुछ काम करेगी, बात समझो. बैंक अपना काम नहीं करेगी, बैंक क्लाइंट्स का काम करेगी, जो एक्चुअली क्लाइंट्स ने करना चाहिए. ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, इट्स क्लाइंट्स, बैंक डज दिस जॉब. देयरफॉर दीज फंक्शंस आर कॉल्ड as agency functions. So total how many functions you have in your syllabus? Total 6 functions you have. एक एक करके करना है. Now the first point. एक पहला introduction पढ़ लेते हैं. Commercial bank acts as an agent or representative of its client and performs certain functions as follows. Now the first point is periodic collections and payments. Now it is very simple. मेरे बिहाफ में मेरी बैंक मेरी सैलरी कलेक्ट करेगी, डिविडेंड कलेक्ट करेगी. मेरे लिए व्हाट इज डिविडेंड सर? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. शेयर होल्डर्स तो तुमने सुना है, कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है. ओके, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं तो ओनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, तो उनको डिविडेंड मिलता है. और अगर मैंने किसी को लोन दिया है या किसी और बैंक में या कहीं से भी मुझे इंटरेस्ट आने वाला है, तो वो इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी बैंक ऑन माई बिहाफ. And any other income periodically as well as makes periodic payments. मतलब collection भी करेगी, payment भी करेगी. अगर point बढ़ाना है तो periodic collection एक point कर दो, periodic payments एक point कर दो. Wrong थोड़ी लिख रहे हैं. एक point को दो point में convert करेंगे, चलेगा, चल सकता है. Because already 6 points are there. Just 6 points are there. तो 7 कर सकते हैं. पीरियोडिक कलेक्शन का एक पॉइंट बना सकते हो, पीरियोडिक पेमेंट्स का एक पॉइंट बना सकते हो, या सेम पॉइंट में भी चल जाएगा. एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगा लेकिन एक पॉइंट बढ़ जाएगा. टैक्सेस, बिल्स, प्रीमियम्स एटसेट्रा. सो मेरे बिहाफ में अगर मुझे कुछ पेमेंट करना है हर साल, टैक्स या बिल्स का पेमेंट करना है मंथली बेसिस पे, प्रीमियम्स होते हैं, प्रीमियम्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स. इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मैं भूल जाता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भरने के लिए, तो मेरे बिहाफ में बैंक भर देती है. रेंट एटसेट्रा. सो इफ आई फॉरगेट टू
मतलब चांस ही नहीं फर्क पड़ता ना, मतलब होता ही नहीं है। अगर मैं बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दूं, आगे दिया देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग मतलब खड़े रह के नहीं, स्टैंडिंग का मतलब कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन सर? एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो बैंक हमेशा के लिए याद रख ले, मतलब ये वन टाइम इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन है। तो हर बार मैं थोड़े फोन करते रहूंगा बैंक में कि ये महीने का बिल भरा क्या, नहीं भरा वापस भरो चलो, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही टाइम पे मुझे एप्लीकेशन दे देना है या इंस्ट्रक्शंस देने हैं बैंकर को, एंड अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस बैंक विल मेक द पेमेंट पीरियोडिकली। कमर्शियल बैंक चार्जेस सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टरली और एनुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्विस चार्जेस, ऑब्वियसली फ्री तो नहीं करेगी, फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। अच्छा, दे हैव नॉट मेंशन अ टेक्निकल वर्ड ईसीएस। व्हाट इज ईसीएस सर? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ऐसे बोल रहा हूं, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ECS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, क्लियर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का मतलब ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो नोन एज ECS, इज आल्सो नोन एज ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का फॉर्म भरना पड़ता है, फिर बैंक ये काम कर देती है। दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर लिखोगे तो रॉन्ग दे ही नहीं सकते, नहीं लिखोगे तो कुछ मार्क्स कट कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफिशियली सिलेबस में नहीं दिख रहा है इसी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। नाउ द सेकंड पॉइंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? आई विल टेल यू, थोड़ा सा डिस्कशन आई गेस पहले हुआ था, राइट? सॉरी, यस। Now, what is a portfolio management? As you can see this particular image, now in this image, there are many companies, right? Shell company, BAE System, HSBC, BHP Billiton, Glaxo, Imperial Tobacco Corporation, Seven Trent, National, etc. These are the companies, basically. ऐसा सिचुएशन है ना कि मुझे, अच्छा ये पोर्टफोलियो होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे पोर्टफोलियो होता है, मतलब क्या है ना, एक ही कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अगर वो कंपनी डूब जाएगी या उसके शेयर का वैल्यू नीचे गिर जाएगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इंस्टेड व्हाट आई विल डू, मैं बहुत सारे कंपनीज में थोड़ा 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 पैसा इन्वेस्ट करता हूं। कुछ समझ रहे? नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, इंस्टेड थोड़ा 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 सब जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, सो दैट क्या होगा, रिस्क विल बी वेरी मिनिमम। तो ऐसा मेरा एक पोर्टफोलियो बनेगा, कंपनी है, टिकर, दैट इज नथिंग बट जस्ट फुल शॉर्ट फॉर्म सा कोड नेम्स, शेयर प्राइस है, सम इन्वेस्टेड है, कितने इन्वेस्ट करोगे वो, शेयर्स परचेज कितने किए है, डिविडेंड फोरकास्ट, व्हाट इज डिविडेंड फोरकास्ट, व्हाट वी एक्सपेक्ट, कितना डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को रिटर्न में, प्रोस्पेक्टिव डिविडेंड यील्ड इन फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम, मतलब कंपनी कितना डिविडेंड अर्न करेगी, सॉरी इनकम अर्न करेगी, ये पूरा पोर्टफोलियो बनेगा हर इंडिविजुअल का। अभी ये सब काम मैं थोड़ी करते रहूंगा अगर मुझे कोई लेना देना नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स है ना, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मैं लेफ्ट साइड देखूंगा पूरा वो शेल वगैरह वगैरह, बेस्ड ऑन दिस स्टडी। नाउ सपोज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पैसा है मेरे पास लेकिन मुझे शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, ना मुझे शेयर मार्केट जानना है, लेकिन मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। व्हाई? बिकॉज मैंने सुना है कि शेयर मार्केट में पैसा नॉट डबल लेकिन बढ़ता है, मनी ग्रोज। सो टू ग्रो माई मनी, टू इंक्रीज माई इनकम, आई वुड इन्वेस्ट दिस मनी इन शेयर मार्केट, बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट, देन इन दैट केस व्हाट, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, I'll go to my banker, I'll ask him to prepare my own portfolio.
now we'll, the expert person is there to function this. So that person will prepare my portfolio on my behalf. Actually, bank prepare karegi based on my requirements. My requirements matlab sir? मतलब सर आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो. अगर आपको रिस्क लेनी है ज्यादा तो वी विल डिजाइन अनदर पोर्टफोलियो. अगर आपको रिस्क कम लेनी है तो आपका पोर्टफोलियो अलग बनेगा. सो डिपेंड्स अपॉन ईच पर्सन्स रिक्वायरमेंट्स पोर्टफोलियो विल बी डिजाइन्ड बाय द बैंकर. और मेरे बिहाफ में मेरे पैसे बैंक शेयर मार्केट में लगाएगी. जो करना काम मेरा है लेकिन मेरे बिहाफ में बैंक करेगी. ऑब्वियसली बैंक विल चार्ज सम कमीशन. So this is a portfolio, portfolio management, portfolio of securities. वो मॉडल लोग भी पोर्टफोलियो बनाते, पोर्टफोलियो लेके आया हो क्या, फोटोग्राफ्स वगैरह, वो नहीं, वो अलग है. यहाँ पे पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी. कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से कंपनीज है, एटसेट्रा. सो दिस इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बैंक डज दिस जॉब ऑन माई बिहाफ. माई मतलब कस्टम. सॉरी, लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट. दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक. और क्या ना, दिस बिकम्स वेरी सिंपल. एज एनीवेज आई एम हैविंग अकाउंट इन अ बैंक, तो उसी बैंक के थ्रू मुझे ट्रांजैक्शंस करने, तो बैंक पैसे भी वहीं पे रहेंगे. तो इट वुड बी वेरी सिंपल आल्सो, वेरी कन्वीनियंट आल्सो. तो एक ही बैंक में सब कुछ हो जाएगा, अच्छा रहेगा. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया. सेकेंड फंक्शन मेरे बिहाफ में बैंक करेगी. सो टू फंक्शंस आर ओवर. नाउ द थर्ड पॉइंट, फंड ट्रांसफर. वेरी सिंपल, मुझे पैसा ट्रांसफर करना है किसी को. काम मेरा है लेकिन मेरे बिहाफ में बैंक करेगी. ट्रांसफर मनी फ्रॉम माय बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ द सेम बैंक और अ डिफरेंट बैंक, ऑफ द सेम ब्रांच और अ डिफरेंट ब्रांच, व्हाटएवर. ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर और वन ब्रांच ऑफ अनदर बैंक और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक. सॉरी, कमर्शियल बैंक्स कम विद वेरियस इनिशिएटिव्स टू टेक दिस ट्रांसफर हैसल फ्री. हैसल फ्री मतलब बीच में कोई रुकावट ना हो, ये देखने का काम बैंक्स का है. वो उनके पास सिस्टम भी अच्छा है. सो मेरे बिहाफ में मेरी बैंक पेमेंट करेगी फंड ट्रांसफर. वेरी सिंपल पॉइंट इट वॉज. थर्ड पॉइंट इज ओवर. नाउ द फोर्थ पॉइंट, डिमटेरियलाइजेशन. ये भी पहले हो चुका है थोड़ा सा, अब एक बार फिर से पढ़ते. वॉट इज डिमटेरियलाइजेशन? डीमैट, डीमैट अकाउंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. अकाउंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. नॉर्मल बैंक अकाउंट में कैश होती है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स होते हैं. नॉर्मल बैंक अकाउंट में कैश आती है या कैश जाती है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं या शेयर्स जाते हैं. तो मेरे बिहाफ में ये बैंक होल्ड करेगी ना, फिर इसमें एजेंट क्यों होगा? क्योंकि मैं अपना तो डीमैट अकाउंट खुद मेरे घर पे नहीं बना सकता. यहाँ पे एक बात समझ लो, अलग के सिलेबस में नहीं है इसलिए कुछ स्लाइड वगैरह उसकी जरूरत नहीं है. देर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया जिनके पास डीमैट अकाउंट होता है. देर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया. वन इज NSDL एंड द सेकेंड वन इज CDSL. वन इज NSDL एंड द सेकेंड वन इज CDSL. ये क्या है सर? ये दो डिपॉजिटरीज है. ये क्या होते हैं सर? ये आपका डीमैट अकाउंट होता है, बट इनके पास डायरेक्टली हम नहीं जा सकते. सो विल गो टू देम थ्रू अ डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. बैंक्स ये काम करती है अपने बिहाफ में, डिपॉजिटरी कंपनी के पास, डिपॉजिटरीज के पास अपना अकाउंट ओपन करने का काम करती है. देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज द बैंक इज एन एजेंट. लेकिन तुमको इतना सिलेबस में नहीं है. Banks provide dematerialization facility to their clients to hold their securities in an electronic format. Physical नहीं होता, obviously electronic format में cash shares होते.
on behalf of clients, it undertakes the electronic transfer of shares in case of purchase or sell of securities or shares वगैरह. तो in short ये shares का account बनता है. But I advise you कि एक बार ना पहले dematerialization का meaning लेते हैं. Demat account, dematerialization account is an account of shares and securities. Very simple. Very simple. So on the spot you can manage. But एक sentence लिख दो. जो SP students होंगे उनको ये detail में होगा syllabus में. तो वो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको और सात आठ लाइन तक खींच सकते हैं. खींचो चलेगा. Relevant ही लिख रहे, कोई फालतू बात नहीं कर रहे, चलेगा. लेकिन पूरा खो मत जाना उसमें, नहीं तो क्या एक पेज तुम लोग डिमटेरियलाइजेशन पे लिख के आओगे. Doesn't make any sense. एक दो लाइन एक्स्ट्रा कर दो, बात खत्म कर. There are two depositories, NSDL and CDSL, जहां पे डायरेक्टली अकाउंट होता है लेकिन डायरेक्टली वहां पे नहीं जा सकते. सॉरी, तो डायरेक्टली नहीं जा सकते. तो एक एजेंट का काम बैंक करती है, उसको एजेंट को बोला जाता है डीपी, विच इज ऑल्सो नॉट देयर. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वहां पे नहीं है सर. हाँ नहीं है सर, बता दिया. फाइव पॉइंट्स आर देयर, सॉरी नॉट सिक्स, फाइव पॉइंट्स. लास्ट पॉइंट, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज. मेरे बिहाफ में बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगी, बिकॉज इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट डील करना अलाउड नहीं है. डॉलर्स में वगैरह डायरेक्ट डील नहीं कर सकते. So forex is an abbreviation for foreign exchange. A bank may purchase or sell foreign exchange on behalf of its client. A bank purchases forex from its client, which the clients receive from foreign transactions, and sell the forex when the clients need for overseas transaction. Now what is this? Import export. Import ke time foreign exchange you will require. So what you are supposed to do is deposit money. Bank will convert that money rupees into dollars, and accordingly the payment will be made. Similarly, if you are exporting something, you receive something in dollars usually. So bank will convert dollars into rupees. So mere behalf mein ye kaam bank karegi. Therefore, we can say that bank performs this kind of agency function, this forex transaction wala agency function. So therefore, there are five points, but I advise you to convert into six points by dividing first point in two parts. First is collection and second one is payment. So पांच के छह points हो जाएंगे भाई. पांच के छह points हो जाएंगे. Clear? Clear है? Five marks के लिए question आएगा. छह के छह points cover होने चाहिए if you convert. और फाइव के पांच के पांच पॉइंट्स कवर होने चाहिए इफ यू डू नॉट कवर. सिर्फ इतना ही करोगे तो सो दिस इज व्हाट इट इज. एजेंसी फंक्शंस आर डन. नेक्स्ट पार्ट इज यूटिलिटी फंक्शंस. यूटिलिटी वर्ड तुमने इको में सुना होगा. यूटिलिटी मतलब बेनिफिशियल. नहीं ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कंपनी, वो सब छोड़ो. Utility मतलब benefit in simple words. So there are various benefits which are provided by a banker. Six functions, six utility functions. Agency five, utility six point functions. And we will add one more function over there, which is optional. I mean, you may write, you may not write. It is your wish totally. First point is issue of drafts and checks. Now, as you, I think you remember, I discussed the concept called demand draft. चलो भाई वापस एक बार पूरा कर लेते हैं. Checks तो तुमको पता है. Checks तो तुमको बहुत अच्छे से पता है. Chess वाला नहीं obviously. Check मतलब bank वाला obviously पता है. Draft मतलब sir demand draft और pay order. Now there are many colleges जो लोग फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट डिमांड करते हैं. फीस विल बी पेएबल बाय अ डिमांड ड्राफ्ट और अ पे ऑर्डर, दोनों सेम ही है. आउटस्टेशंस रहेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट.
सेम टाउन रहेगा, सेम स्टेट रहेगा, तो फिर वो पे ऑर्डर हो जाता है, नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट होता है. एनीवेज, नाउ व्हाट इज दैट एंड व्हाई कॉलेजेस ऑप्ट फॉर डिमांड ड्राफ्ट और दे इंसिस्ट फॉर डिमांड ड्राफ्ट. आई विल टेल यू, कैश से पेमेंट करोगे तो उनको मगजमारी रहेगी संभालने की, चेक से पेमेंट करोगे तो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि चेक डिसऑनर हो सकता है, उसको बाउंस भी बोलते हैं. अभी इतने सारे लोग एडमिशन लेंगे स्टूडेंट्स, उसमें से कम हर साल 15-20 तो चेक बाउंस होंगे मिनिमम. अरे 1,000-1,500 लोगों में से 15-20 तो चेक बाउंस होंगे. और चेक बाउंस कब होता है, डिसऑनर कब होता है, तुम जानते हो, अकाउंट में पैसा इनसफिशिएंट है और ज्यादा गया, या और भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, सिग्नेचर बराबर नहीं थी, कुछ करेक्शन था, जो भी रीजन है, ओवरराइट किया था, तो उसकी वजह से चेक डिसऑनर हो जाता है. अब ये कौन मगजमारी पालते बैठे. इसीलिए बैंक क्या बोलती है कि डिमांड ड्राफ्ट से पे करो. डिमांड ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता, डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता. उसका रीजन है कि मुझे चेक ड्रॉ करना है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए है, कैन आई ड्रॉ 5 करोड़ का चेक. यस आई कैन. सर क्या बात कर रहे हो, कर ही नहीं सकते, ड्रॉ की बात कर रहा हूँ. आई कैन डेफिनेटली ड्रॉ, मेरे पास ऐसी चेक बुक पड़ी रहती है, मैं और मेरी बहन कभी कभी खेलते हैं, एक हाथ चेक पे ऐसा पेन पाते रब कर देते, नहीं तो खेलते हैं 10 करोड़ का चेक पता नहीं के लिए ऐसी, मतलब बहुत चाइल्डिश हो गया. लेकिन आई कैन ड्रॉ दैट चेक डेफिनेटली, आई कैन इश्यू ऑल्सो, बट पेमेंट नहीं होगा. मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि पेमेंट हो गया नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि भाई चेक ड्रॉ हो सकता है कि नहीं. डेफिनेटली यस, 50 करोड़ का हो सकता है, 100 करोड़ का हो सकता है, अकाउंट में पैसा होने की जरूरत नहीं है. बात समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो मैं चेक इशू कर दूंगा लेकिन बैंक में पैसा ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कॉलेजेस के लिए. सो डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, इफ यू वॉन्ट अ डिमांड ड्राफ्ट और इफ यू वॉन्ट टू मेक पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, देन यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट इन द बैंक प्लस कमीशन चार्जेस बैंक. Now in this case, banker will prepare a demand draft जो तुमको कॉलेज में सबमिट कर. अब ये कभी डिसऑनर नहीं होता बिकॉज पेमेंट ऑलरेडी कर दिए, सो इट इज प्रीपेड. बुद्धि में जा रहा. सो दिस इज डिमांड ड्राफ्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं. इतना डिटेल में तुमको लिखना ही नहीं है, बट आई एडवाइस यू दैट यू राइट ड्राफ्ट आर सेफर देन चेक्स. As a payment, as a mode of payment, drafts are safer than check. They are more reliable. Bank issues draft to its account holder as well as non-account holders. हाँ, एक बात और है. Say for example, तुम लोग कॉलेज में गए फीस भरने के लिए, तब तुमको पता चलता है कि डिमांड ड्राफ्ट से ही पे करते हैं. So तुम आगे टेंशन में, तुमने क्या करते हो कि यार अभी यही से निकाल लेते. तो वहां पे जो बैंक है उधर तुम्हारे डैड का वगैरह अकाउंट नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है. डिमांड ड्राफ्ट के लिए अकाउंट होने की जरूरत नहीं है, चेक के लिए ऑब्वियसली अकाउंट होना चाहिए, चलेगा. एज वेल एज अकाउंट वहीं पे होगा तो और अच्छा है, थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाता है, बाकी कुछ फायदा नहीं है. मतलब डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला जाएगा, लेकिन अकाउंट नहीं है तो भाई कैश जमा कर दो, डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा. बैंक इश्यूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स, वेयर एज चेक्स आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स. बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग bank draft. This is the first point. Now the second one, locker facility. kya matlab explanation ki koi zarurat bhi nahi hai. Those customers who want to store their valuables like documents or jewelries etc in a safe custody, they would go for this locker facility. बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे कि एक लॉकर चाहिए, बैंक विल चार्ज सम फीस फॉर द सेम, लेकिन तुमको लॉकर मिल जाएगा. तो यहाँ पे यू कैन कीप योर वैल्यूएबल्स, बस खत्म, एज सिंपल एज दैट. सेकंड पॉइंट इज एक्सट्रीमली सिंपल. थर्ड पॉइंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. सपोज मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक नया प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट,
लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो फिजिबल है या नहीं. व्हाट इज फिजिबल? फिजिबल का मतलब वायबल है या नहीं, डूएबल है या नहीं, कर सकते या नहीं कर सकते, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ ना कुछ पहले तो करना पड़ेगा ना प्रेडिक्शन. सो भाई मुझे टेक्निकलिटीज, लीगल पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मगजमारी नहीं पता है. गवर्नमेंट से कौन से लाइसेंस देने पड़ते हैं, मुझे बिजनेस करना चाहता हूँ, बाकी मुझे बहुत सारी डिटेल्स होती है, तो ये सारी डिटेल्स मुझे नहीं पता. सो मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा, तो बैंक एक एक्सपर्ट के थ्रू ये काम करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजाइन करेगा, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी. ओके, टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं है, फ्यूचर है या नहीं है उसमें. सो बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स. ये काम मेरा है एक्चुअली, पर बैंक मुझे ये करके देगी. प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम मार्केट. ये भी हो सकता है, सॉरी ये बोलना भूल गया, बट बिजनेस फर्म्स टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज. पेपर वर्क भी होता है, प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए तो बैंक के पास जाना पड़ेगा, उनको एक परफेक्ट उनको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी बैंक दे देगी, चलो लोन चाहिए, हाँ ले लो. तो वो डिजाइन करने का काम, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, ये सारा काम मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं सिर्फ जानता हूँ बिजनेस करना. तो ये सारा एडवाइजरी रोल और बाकी सारी डिटेल्स या बाकी सारा जो भी फॉर्मेलिटीज होगा वो बैंक करके देगी. ऑब्वियसली बैंक विल चार्ज सम फीस फॉर द सेम. सब में तुम लिख सकते हो बैंक विल चार्ज सम फीस, थोड़ी फ्री में थोड़ी करके देगी. तो ये थर्ड पॉइंट हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. फोर्थ पॉइंट, गिफ्ट चेक्स. अजीब कॉन्सेप्ट है, नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अजीब चीज है. मतलब मुझे वेडिंग पे वगैरह जाना है किसी के, या बर्थडे पार्टीज के लिए जाना है, तो मैं कैश पे कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर. एनवलप में रखते हैं? अभी एनवलप में रखे नहीं रखे, मेन तो कैश से लेना देना है, लेकिन एनवलप में क्यों रखते हैं? इट लुक्स नाइस, राइट? सिमिलरली यू कैन प्रेजेंट गिफ्ट चेक्स, थोड़ा और अच्छे दिखते. सर ये डिसऑनर नहीं, ये डिसऑनर नहीं होते, इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट जैसा सिस्टम है. पहले डिपॉजिट करना पड़ता है, उतने के प्री प्रिंटेड चेक्स मिलते हैं. ऐसा नहीं कि उसके ऊपर तो वो कितना भी अमाउंट भर देगा, प्री प्रिंटेड चेक्स होते हैं, उतने वैल्यूज के अकॉर्डिंग टू मेरा, मुझे जैसा लगता है वैसे मैं ले सकता हूँ चेक्स. सो दीज आर द गिफ्ट चेक्स विच कैन बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ बर्थडे पार्टीज वगैरह. बैंक इशू गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स. गोल्ड कॉइन्स भी इसी में डाल दिया उन्होंने, गिफ्ट के लिए देते हैं वो. लुक्स नाइस टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर. गिफ्ट चेक्स और कॉइन्स कैन बी यूज बाय द क्लाइंट्स फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग, बर्थडेज एटसेट्रा. सिंपल सा था. Now the next part is underwriting of shares. Underwriting of shares. Wait, huh? Yes. Now what is underwriting of shares? See, you can see. इशूइंग कंपनी, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, वापस एक बार डिस्कस कर लेते. इशूइंग कंपनी है, अंडरराइटर है, मनी और फीस है. और अंडरराइटर करता क्या है एक बार सुन. व्हाट अंडरराइटर डज, अंडरराइटर इशूइंग कंपनी को बोलता है कि अगर तुम्हारे स्टॉक्स यानी कि शेयर, स्टॉक मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वाला स्टॉक नहीं है ऑब्वियसली, स्टॉक मीन्स शेयर, स्टॉक मीन्स शेयर. सो द थिंग इज, if public do not subscribe the shares of a company, then underwriter promises to purchase those shares. So underwriter basically gives guarantee to the issuing company. Issuing company मतलब सर ऐसी कंपनी जिसको शेयर्स इशू करने हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसको पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं. पब्लिक सब्सक्राइब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, तो underwriter उसको गारंटी देगा और स्टॉक परचेज भी कर लेगा. स्टॉक मतलब सर बंडल ऑफ शेयर्स, बंडल ऑफ शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं. ये अकाउंट्स वाला स्टॉक नहीं है, एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं. तो वर्ड इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट.
जो अकाउंट्स में स्टॉक वर्ड यूज होता है दैट इज फॉर गुड्स. यहाँ पे स्टॉक का मीनिंग स्पेसिफिकली शेयर्स वगैरह, शेयर्स एटसेट्रा. सो दैट्स इट. ये था अंडरराइटर. ये पहले भी डिस्कस किया था. अंडरराइटर गिव्स नथिंग बट एन एश्योरेंस टू द इशूइंग कंपनी दैट इफ द पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब द शेयर्स आई शैल परचेज दोस शेयर्स. लेनी पड़ता रे, आदत नहीं है ऐसे लेक्चर लेने की. ओके, अंडरराइटिंग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. अ कमर्शियल बैंक में अंडरराइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज यूजुअली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब. द अंडरराइटिंग बैंक अग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज. जितना अनसब्सक्राइब होगा उतना हम खरीद लेंगे, हम सब्सक्राइब कर लेंगे. सब्सक्राइब मतलब सर हम एप्लीकेशन कर लेंगे और बाद में यही परचेस करने वाले. लास्ट पॉइंट, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. ये भी एक अजीब पॉइंट ही है. मतलब कुछ पार्ट बराबर है लेकिन कुछ पार्ट इतना अजीब है कि ऐसा कोई क्यों करेगा. नाउडेज मेनी बैंक्स आर प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स. बैंक आर कमर्शियली बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स. मतलब हम बैंक में जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि गोल्ड परचेस करो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स. दिस इज समथिंग विच इज नहीं पल्ले पड़ रहे भाई. हाँ, ऑन लार्ज स्केल बेसिस हो सकते हैं कोई लोग जिनको लार्ज स्केल पे जरूरत पड़े, लेकिन भाई ऑर्नामेंट्स बैंक्स खरीदती होगी पता नहीं. दिया है बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं सुना. बैंक ने दिया है फैसिलिटीज लेकिन कौन करता है नहीं पता भाई. कि बैंक के पास जाओगे गोल्ड खरीदने के लिए. लेकिन जो आगे वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम बैंक also provides advisory services to its customer in terms of gold funds and gold ETF. ETF मतलब exchange traded funds. ये एक derivative instrument. What is derivative instrument sir? Derivative word तुमने maths में सुना होगा. उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. मेरा maths 36 का आंकड़ा है. मेरा maths से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है. फिर भी मैं तुमको समझा सकता हूँ अच्छे से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है. इसका मतलब समझ जाओ, इस डेरिवेटिव का उससे लेना देना नहीं है. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट एटसेट्रा. मार्केट क्या है ये समझ लो. देर आर सर्टन सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह जिनका अपना वैल्यू नहीं रहता. द वैल्यू इज डिसाइडेड बाय सम अदर असेट. आई गिव यू वन एग्जांपल. Say for example, gold ETF, exchange traded fund. इसको ऐसे समझो कि paper gold है, paper gold. So अलग gold होता है, white gold वगैरह वैसे paper gold. नहीं, paper gold का मतलब ये है कि gold नहीं मिलता when you purchase gold, paper मिलता है. क्या सर समझा नहीं? देखो, there are many people who do not want gold in a physical form. उनको गोल्ड में दिलचस्पी नहीं है, उनको गोल्ड के भाव में दिलचस्पी. दे आर कंसर्न अबाउट गोल्ड प्राइसेस. दे फील और दे बिलीव कि आज सपोज 30,000 रुपया गोल्ड चल रहा है. भाव मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता गोल्ड का भाव क्या है वगैरह. बट सपोज आज 30,000 नहीं, बहुत ज्यादा होगा, सपोज 35,000 गोल्ड का भाव है. सो इफ दे बिलीव कि भाई आगे बढ़ने वाला है, 40,000 होने वाला है, सो वो क्या करेंगे? आज 30,000 में गोल्ड खरीद लेंगे, 35,000 में खरीद लेंगे और बाद में 40,000 में बेच देंगे. अभी as I said earlier, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है गोल्ड का, इनको पैसे कमाने. सो इन दैट केस व्हाट विल दे डू? ये कोई ऑर्नामेंट्स नहीं खरीदेंगे, ये क्यों गोल्ड के बिस्किट्स वगैरह खरीदेंगे और कौन रिस्क ले संभाले वगैरह. इनस्टेड दे विल इन्वेस्ट इन पेपर गोल्ड, मतलब गोल्ड ETF. अगेन एक पेपर आएगा जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी. The value of that paper is decided by the gold. Say for example, तुमने एक पेपर ले लिया जिसका भाव 35,000 रुपया है. क्यों 35,000 सर? उसके पेपर के कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं, वो गोल्ड का पेपर नहीं है. लेकिन उस पे दिया है कि ये उस पेपर की वैल्यू गोल्ड डिसाइड करेगी, इसीलिए उसको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. तो डेरिवेटिव क्यों वर्ड है सर? इट डिराइव्स वैल्यू, इट डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर असेट.
So that paper derives its value from gold. तो कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने चार्जेस होते हैं, ये सब बैंक प्रोवाइड करेगी। गोल्ड फंड्स भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, अगेन सेम थिंग, पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका, जो भी इन्वेस्टमेंट जिस सिक्योरिटीज में होगा उन सिक्योरिटी की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, दैट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय गोल्ड। इन शॉर्ट मेरा पैसा गोल्ड में लग रहा है लेकिन मेरे हाथ में फिजिकली गोल्ड नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना मतलब गोल्ड क्यों खरीदने का, अरे यार गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यार, सालों से दाद पर दादा पर दादा के जमाने से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चल रहा है भाई, वही बेस्ट है। ठीक है ना भाई, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ना, तो फिजिकली क्यों खरीद रहे हो? फिजिकली तो तब खरीदो ना जब तुमको एक्चुअल में यूज करना है। आर यू गेटिंग मी? सोने के बिस्किट परचेज कर लिए, अब उसका क्या करोगे, ऐसे ही रखोगे? डजंट मेक एनी सेंस, राइट? अरे हमको इन्वेस्ट करना है, अरे इन्वेस्ट करना है तो इसमें इन्वेस्ट करो ना, वो पैसा मार्केट में खेलता रहेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई यूजुअली मतलब बहुत बार डिबेट होता है बहुत लोगों के साथ कि गोल्ड में गोल्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आई पर्सनली डू नॉट अग्री विद दिस, दैट यू कैन सी दैट गोल्ड रिंग इज देयर, आई एम यूजिंग इट। सो एज सून एज यू आर यूजिंग गोल्ड इट विल बी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम यूज कर रहे हो ना, तुम ऐसे ही रखोगे गोल्ड उसका कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन मार्केट। नहीं सर हमको तो गोल्ड मतलब रिटर्न दे सकता है, आगे गोल्ड का भाव बढ़ता है, जरूरत पड़ सकती है। हाँ भाई तो ये है ना फंड्स, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो गोल्ड एक तो घर में रखोगे तो चोरी का खतरा, लॉकर में रखोगे बैंक में तो बैंक को चार्जेस देने पड़ेंगे और वो कोई रिटर्न नहीं दे रहा है तुमको, ऐसे भी पड़ा है। वेयरएज गोल्ड ईटीएफ तुमको रिटर्न देगा, इंटरेस्ट हो गया, बेच सकते हो अलग से, और बेचना इज वेरी इजी ऑल्सो, easier than selling gold, normal gold, physical gold. 24 कैरेट 18 कैरेट वो थोड़ा कम निकला, उसमें लेबर चार्जेस कोई मगजमारी नहीं है। और अगर ऑर्नामेंट्स बनाते हो इन्वेस्टमेंट के लालच में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मेकिंग चार्जेस थोड़ी वापस मिलते हैं जब तुम बेचते हो तो। सबको नहीं समझ में आएगा लेकिन एटलीस्ट कुछ लोग तो समझ जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने सिलेबस से ऑब्वियसली। गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट करो लेकिन उसके लिए गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। वो एक एडवर्टाइजमेंट है ना बैंक के रिलेटेड, एक्सिस बैंक का, दीपिका पादुकोण बोलती है कि बैंक जाने के लिए बैंक जाने की क्या जरूरत है। सिमिलरली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड परचेस करने की क्या जरूरत है, फिजिकल गोल्ड लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही करो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, घर पे शादी है और पहनने के लिए चाहिए तो भाई ये पेपर थोड़ी पहन के घूमेंगे, वो अलग बात है। सो दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स, दे डिसाइड और दे डिटरमाइन देयर वैल्यूज फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट कॉल्ड गोल्ड। गोल्ड विल डिसाइड देयर फ्यूचर ऑल्सो। गोल्ड का भाव बढ़ गया उन इंस्ट्रूमेंट का भाव बढ़ गया, गोल्ड का भाव गिर गया उन इंस्ट्रूमेंट का भाव गिर गया, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अभी किसके घर पे कोई मतलब ज्वेलर वगैरह होगा तो किसी को बुरा लग सकता है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट ज्वेलर्स और आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। देयर इज अ सेकंड अप्रोच टू दिस आल्सो, बिकॉज़ गोल्ड माइंस तो इंडिया में नहीं है और गोल्ड का रिक्वायरमेंट तो दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। बेचते तो कम लोग है लेकिन है बहुत लोगों के पास और लोग बढ़ाते ही है, तो ये गोल्ड आता किधर से? लार्ज स्केल पे गोल्ड इम्पोर्ट होता है और तुमको पता है अभी मोदी जी भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर निर्भर भारत एंड ऑल दैट थिंग्स, व्हाट इट अल्टीमेटली मींस। छोड़ो बड़ी बड़ी बातें, कि हमको बाहर के कंट्रीज पे कम रिलाय करना है और आत्मनिर्भर बनना है। घर के सब काम मैं खुद करूंगा, भाई को नहीं बुलाऊंगा, उसको आत्मनिर्भर नहीं बोलते। और ये हो भी रहा है, जून के मंथ में और जुलाई में भी ट्रेड सरप्लस हुआ है इंडिया का, विच इज अ गुड थिंग। पर एसेंशियल में भी तो नहीं आता, मेडिसिन के कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गोल्ड में तो ऑप्शन है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, इफ यू वांट टू परचेज गोल्ड फॉर शादी वगैरह एटसेट्रा ऐसे कुछ पर्पस के लिए, तो बात ही अलग होती है, तो दैट वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट सीन।
और ये कोई बताता नहीं है, बिकॉज पता नहीं क्यों इसका अवेयरनेस क्यों नहीं है, होना चाहिए। गोल्ड इंपोर्ट जितना कम हो उतना कंट्री के लिए अच्छा है, और वो घर पे रखोगे तो तुमको भी टेंशन होगा। एनीवेज, विशेष जनहित में जारी, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, तुम्हारा कोई अलग ओपिनियन हो सकता है। सो देयर आर सिक्स फंक्शंस, बेसिकली सिक्स यूटिलिटी फंक्शंस। नाउ यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट इन दिस, एंड दैट पॉइंट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये पहले एक बार डिस्कस किया था, लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरस्टैंड। इंपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को एश्योरेंस देती है कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करेगी तो वो बैंक, इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो वो बैंक पे करेगी। आई विल शो यू समथिंग, आई विल शो यू समथिंग, वेट। यस, दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। पार्टीज के नाम अलग अलग होते हैं सब जगह पे, लेकिन देख लो, बायर है, इंपोर्टर है, सेलर एक्सपोर्टर, सेलर्स बैंक, बायर्स बैंक। नाउ बायर्स बैंक गिव लेटर ऑफ क्रेडिट टू एडवाइजिंग बैंक। सो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या दिख रहा है भाई? सिंपल बात है, सेलर और बायर के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, वही कॉन्ट्रैक्ट है। तो बायर क्या करेगा? बायर सेलर से गुड्स परचेस करेगा क्रेडिट पे। ये सर कोई नई बात बोली आपने, बायर सेलर से, पता है तुमको, आई नो दैट। क्रेडिट पे माल लेगा तो सेलर टेंशन में आएगा, तो सेलर क्या बोलता है बायर को कि एक शर्त पे देता हूं गुड्स, अगर मुझे एक एश्योरेंस मिल जाए तेरे बैंक से, तो बायर जाता है उसकी बैंक के पास। यू कैन सी बायर गिव्स एन एप्लीकेशन टू द बायर्स बैंक, जो क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा टू होम, टू एडवाइजिंग बैंक, मतलब सेलर्स बैंक, और वी कैन से दैट क्रेडिट रिसीविंग बैंक, क्रेडिट रिसीविंग बैंक। तो एक और बात समझो, अभी इसमें क्या हो जाएगा पता है? सपोज इफ गोइंग अहेड बायर मेक्स अ डिफॉल्ट, मतलब बायर पे नहीं करता सेलर को पेमेंट, सेलर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बायर्स बैंक विल क्रेडिट दैट अमाउंट इन द बायर्स सेलर्स अकाउंट, एडवाइजिंग बैंक के पास। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस जैसा हो जाएगा भाई, रिस्क कवर हो जाएगी सेलर की, सेलर इजीली क्रेडिट पीरियड दे सकता है। अभी सर बायर की बैंक बायर की गारंटी क्यों देगी? ऑब्वियसली कस्टमर है उसका, ये एडिशनल फैसिलिटी है, और ये तो तब होगी जब बायर का उसके पास कुछ गिरवी रखा होगा। यू कैन सी द टर्म स्विफ्ट, आई फॉरगेट द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट, इट्स अ सिस्टम बेसिकली। So without entering the entire transaction in the SWIFT system है, software है, letter of credit issue ही नहीं कर सकती। Now in the case of नीरव मोदी अगर याद होगा तो नीरव मोदी हाँ, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ, नीरव मोदी। हाँ, कुछ साल पहले की बात है, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ, मैं बैंक को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बैंक के एम्प्लॉयज को बोल रहा हूँ, बैंक के कुछ एम्प्लॉयज करप्ट हो गए थे और ये ट्रांजैक्शन हो गया था। ये ऐसा था कि देखो, बायर नीरव मोदी है, नीरव मोदी को लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूज हुआ था, अंडरस्टैंडिंग LOU, एज सेम एज लेटर ऑफ क्रेडिट। सो नीरव मोदी गोज टू पंजाब नेशनल बैंक, दैट इज बायर्स बैंक, and ask for letter of credit suppose. Definitely it is the banker's duty to ask for some security. कि सर हम आपको देने के लिए तैयार हो provide, लेकिन आप भी कुछ security रखो हमारे पास, गिरवी वगैरह। हम किस basis पे आपकी guarantee दूसरे को दे? हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, safety। तो normal procedure ये होता है कि तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है asset, अगर तुम buyer हो तो। अब in this case, buyer ने बायर्स बैंक के कुछ एम्प्लॉयज को खरीद लिया करप्शन करके, और बोल दिया कि विदाउट एनी सिक्योरिटी मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। द ऑफिशियल टर्म यू कैन सी, अगर तुम गूगल पे करोगे सर्च वगैरह, रिसर्च करोगे, तुमको LOU दिखेगा, बट दैट इज वेरी सिमिलर टू लेटर ऑफ क्रेडिट। बायर्स बैंक क्या हो गया?
फायर्स बैंक के कुछ एम्प्लॉयज करप्ट निकले, उन्होंने मैनेज करके लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर लिया टू एडवाइजिंग बैंक, कोई हांगकांग की बैंक थी, एक्सिस बैंक बट हांगकांग की, एक्सिस बैंक ऑफ हांगकांग। तो ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ। अब ये होता रहा बहुत सालों तक। कोई एक एम्प्लॉय, कोई एक अथॉरिटी चेंज हो गई और उसके जगह पे दूसरा आ गया। अभी बायर की तरफ से कोई बंदा गया लेटर ऑफ क्रेडिट मांगने के लिए और फिर उसने रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा? हम नहीं दे सकते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो वहां से ऐसा कॉल आया कि इतने साल से तो हम ऐसे ही ले रहे लेटर ऑफ क्रेडिट अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर उसको पता चला कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं तो क्या होगा, कल को उठ के अगर इंक्वायरी बैठ गई तो मैं फंस जाऊंगा, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे जो पहले एम्प्लॉय था उन्होंने कुछ ना पैसे खाए होंगे। सो ही चेक द स्विफ्ट, स्विफ्ट में एंट्री हुआ या नहीं हुआ है। स्विफ्ट में एंट्री होता तो ये कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज स्विफ्ट में तभी एंट्री होगा जब सिक्योरिटी दिया होगा। सो इस केस में सिक्योरिटी था ही नहीं, अंडरस्टैंड, इस केस में सिक्योरिटी नहीं था। सो व्हाट हैपेंड, ये फ्रॉड हो गया और ये पकड़ा गया, फिर बाद में आरबीआई को कंप्लेंट कर दी गई, फिर बाद में बहुत कुछ हो गया, बाद में पकड़े गए। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का ही स्कैम था एक तरीके से। क्या स्कैम हुआ था एग्जैक्टली, कि विदाउट एनी सिक्योरिटी बायर के लिए क्रेडिट दिया था और फिर बाद में बायर भाग गया, तो पैसा डूब गया पंजाब नेशनल बैंक का। पब्लिक सेक्टर बैंक है तो टेंशन नहीं होता, पब्लिक से पैसा अल्टीमेटली वसूल कर लेते, मतलब उनका पैसा कौन भरेगा सर लॉस का, पब्लिक भरेगी। एनीवेज, दिस इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यू कैन राइट दिस, एंड दिस इज वेरी सिंपल टू राइट, आई टेल यू, दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू राइट। इट इज, इतना एडवाइजिंग बैंक वगैरह भी लिखने का जरूरत नहीं, इट इज वेरी सिंपल। बायर्स बैंक और इंपोर्टर्स बैंक, रादर इंपोर्टर्स बैंक गिव्स एन अश्योरेंस टू एक्सपोर्टर्स बैंक अबाउट द पेमेंट इन केस ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कि अगर बायर नहीं भरेगा, इफ बायर फेल्स टू पे देन बायर्स बैंक विल पे। वेरी सिंपल, इट इज अ गारंटी गिवन बाय इंपोर्टर्स और बायर्स बैंक टू एक्सपोर्टर और सेलर्स बैंक, खत्म लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, तो भाई थोड़ा आंसर बढ़ जाएगा। ये पहले था, पहले जब सिलेबस में ये क्वेश्चन आता था ना, तो पहले ये था, तो अभी भी कवर कर लो बिकॉज ऑलरेडी पॉइंट्स कम है। सो दैट्स इट, ये एक और पॉइंट हो जाएगा तो 7 पॉइंट्स बन जाएंगे, वहां पे 5 के 6 बन जाएंगे, कलेक्शन और पेमेंट का अलग बन जाएगा, और यहाँ पे 6 के 7 पॉइंट बन सकते हैं बाय एडिंग अ न्यू पॉइंट कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। दैट्स इट। सो ई बैंकिंग इज लेफ्ट, लेकिन वी विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड इंश्योरेंस भी स्टार्ट कर लेंगे। नाउ लेट्स रीकैप, लेट्स रिवाइज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, सॉरी नॉट प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, एजेंसी एंड यूटिलिटी। एजेंसी में बैंक एजेंट होती है, कस्टमर प्रिंसिपल होता है, बैंक कस्टमर के बिहाफ में बैंक कलेक्ट्स पेमेंट, कलेक्ट्स अमाउंट वगैरह इनकम्स और पेज ऑल्सो। तो आई एडवाइस यू कि दोनों अलग अलग कर लो, कलेक्शन का अलग पॉइंट बनाओ, पेमेंट्स का अलग पॉइंट बना दो, वो अच्छा रहेगा। अब ये फ्री में नहीं करेंगे, सर्विस चार्जेस पे करेंगे, करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक ईसीएस पॉइंट बोला था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। नाउ व्हाट इज दैट, यू विल हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन, वन टाइम इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर, नॉट वन टाइम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एक ही बार होगा, बट दैट वुड बी अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब सर हर महीना मेरे अकाउंट में से पैसा डेबिट होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल भरना भूल जाता हूँ तो भाई वो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे अननेसेसरी, तो इंस्टेड आप मेरे अकाउंट में से पैसा भर दो मेरे बिहाफ में, आप करो। तो ये हो जाएगा पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पीरियोडिक पेमेंट्स, अलग पॉइंट बनाओगी तो अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैंने बोला था ये शेयर्स वगैरह होते हैं, उनका उनका परचेज या सेल या शेयर्स कैसे कौन से कंपनी के लेने वगैरह, ये सारी सर्विसेस are provided by a banker. Obviously some charges तो पे करने पड़ेंगे तुमको, फंड ट्रांसफर, मेरे अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सेम बैंक हो, सेम ब्रांच हो या अलग बैंक हो,
सेम ब्रांच भी हो सकती है, सेम बैंक हो सकती है, ब्रांच अलग, या ब्रांच ही अलग हो सकती है, बैंक ही अलग हो सकती है, कोई भी हो, फंड ट्रांसफर करना है तो बैंक तुम्हारे बिहाफ में ये पेमेंट कर लेगी। फोर्थ पॉइंट इज डीमटेरियलाइजेशन। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट के रिलेटेड है। डीमैट अकाउंट मतलब अकाउंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो तुम्हारे बिहाफ में बैंक डीमैट अकाउंट संभालेगी, तुम्हारे बिहाफ में शेयर्स परचेज किए जाएंगे, बेचे जाएंगे, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन तुम्हारे बिहाफ में फॉरेन एक्सचेंज परचेज या सेल होंगे, यूजुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, बिकॉज तुम खुद नहीं डॉलर्स एक्सेप्ट कर सकते, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, डॉलर कैरी भी नहीं कर सकते, अगर पकड़े गए तो फाइन है। बहुत ज्यादा स्केल पे अगर तुम्हारे पास डॉलर्स पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है इकोनॉमिक फ्रॉड के केस में, छोटे मोटी अमाउंट पकड़ी गई है तो जब्त कर ले सकते, जेल नहीं होगी। मीडियम क्लास मतलब अच्छी खासी अमाउंट है तो पेनल्टी लग सकती है, बड़ी अमाउंट है तो ऑब्वियसली जेल हो सकती है, अलाउड नहीं है। तो करेंसी लेके नहीं आ सकते कि अरे बिल्कुल लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर जमा करना पड़ेगा बैंक के पास और कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज तुमको यहाँ पे डॉलर्स की जरूरत क्या है। सिंपल। ओवरसीज ट्रांजेक्शन नाम का एक वर्ड यूज किया है थर्ड लाइन पे। ओवरसीज मतलब फॉरेनर, पेमेंट करना होगा फॉरेन ट्रांजेक्शन में तो ओवरसीज ट्रांजेक्शन में यू विल रिक्वायर फॉरेन करेंसी। कुछ नहीं, तुमको थोड़ी फॉरेन करेंसी मिलेगी, तुम खाली रुपीज जमा कर दो, वो कन्वर्ट करके जो भी तुम्हारा सेलर रहेगा उसको पेमेंट कर दे। यूटिलिटी फंक्शंस, फर्स्ट इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स, मैंने बोला था ड्राफ्ट आर मोर सिक्योर्ड और मोर रिलायबल देन चेक्स, बिकॉज ड्राफ्ट में डिसऑनर का चांस नहीं होता। यू कैन राइट दैट दिस इज नॉट देयर इन the explanation, but you can write and you should know what is demand draft. What is demand draft? Demand draft is the safest mode of payment in which firstly you'll have to deposit that money in bank, then bank issues a draft by which the payment is to be made to the payee, whoever, college वगैरह कोई भी हो सके, इतना नहीं जमता no problem, यही लिख, but एक line जरूर लिखना कि demand drafts are secure than check, and demand draft can be procured even by external person. I mean, customer नहीं रहेगा तो भी चलेगा, okay? Bank account holder होगा, non account holder तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, draft मिल जाएगा, checks के लिए account होना compulsory. Locker facility to keep valuables वगैरह, यहाँ पे भी एक line और लिख सकते हो, bank charges some fees, दिया नहीं है वो तो हर point में लिखोगे obviously. Drafts के केस में खाली commission charge होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, अगर बिजनेस में आगे बढ़ने, बिजनेस में पैसा लगाने किसी भी प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल्स बात हो सकती है, गवर्नमेंट से क्या क्या फाइनलाइजेशन करना है, क्लियरेंस वगैरह वो हो सकती है, या बैंक से कैसे लोन ले, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये सारा स्टडी बैंक करेगी लोन लेने के लिए वगैरह, और फिर वो तुमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगी, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। गिफ्ट चेक्स, गोल्ड कॉइन्स और गिफ्ट चेक्स जिनको प्रेजेंट करना है उनको, उनके लिए बैंक्स प्रोवाइड करती है, बहुत सिंपल है। अंडररराइटिंग, अंडररराइटिंग मींस नथिंग बट गारंटी, कमर्शियल बैंक में अंडररराइट द शेयर्स बाय द कंपनीज, यूजुअली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब द अंडररराइटिंग बैंक अग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन। लास्ट पॉइंट, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेस, जहां पे फिजिकल गोल्ड भी लिया जाएगा प्लस गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ में भी पैसा इन्वेस्ट होगा। ऑल एडवाइजरी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर। ओके, सो ये था एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन इन डिटेल। नाउ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आएंगे, पांच पांच मार्क के दो आ सकते हैं एजेंसी एंड यूटिलिटी के ऊपर, एजेंसी और यूटिलिटी। क्या ऐसा भी हो सकता है, पहले कभी नहीं पूछा था ऐसा जब ये पहले सिलेबस में था तब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एजेंसी यूटिलिटी दोनों को मिला के 10 मार्क का क्वेश्चन पूछे। व्हाट आर द वेरियस सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक, सो फॉर दैट मैटर ऑब्वियसली ये सब पता होना चाहिए, फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। सो ये क्वेश्चन एजेंसी यूटिलिटी के साथ मिला के 10 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर एक
ज्यादा चांसेस ये है कि एजेंसी या यूटिलिटी का कोई शॉर्ट नोट आ जाए. सो दैट्स इट, ये सेकेंडरी फंक्शन था. देन नहीं, बाकी नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ई बैंकिंग वगैरह आज के लेक्चर में नहीं हो सकता, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और ऑल्सो नोन एज वर्चुअल बैंकिंग, मतलब फिजिकल नहीं होता. बेस्ट एडवांटेजेस 24/7 फैसिलिटी है. उसमें क्या क्या आएगा? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये तो पूरे नए कॉन्सेप्ट है. मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग विच इज वेरी सिंपल, एंड आईएमपीएस ट्रांसफर. नाउ व्हाट आर दोस कॉन्सेप्ट्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर ई बैंकिंग, और उसके बाद अगला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टार्ट इंश्योरेंस. वी विल स्टार्ट विद इंश्योरेंस, वी विल कंप्लीट ई बैंकिंग बिकॉज इट विल कंज्यूम हार्डली अराउंड 20-25 मिनट्स. देन वी विल स्टार्ट द इंश्योरेंस का पार्ट, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय. टेक केयर.